Hi friends, welcome to our pilgrimage and temple series. आज हम बात करेंगे भारत के मुख्य तीर्थ में से एक गंगा सागर की, जो बंगाल की दक्षिण सीमा में स्थित है। ये वो जगह है जहाँ गंगा नदी सागर से जाकर मिलती है, इसलिए इस जगह को गंगा सागर संगम भी कहा जाता है। गंगा सागर संगम पर स्नान करना बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान का जो महत्व है वो और कहीं नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी जितना पुण्य बाकी तीर्थों पर बार बार जाकर मिलता है उतना ही पुण्य गंगा सागर में एक बार आकर मिलता है। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल 14 या 15 जनवरी को यहाँ गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है और इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। गंगा सागर के पास कपिल मुनि का एक मंदिर भी है, जहाँ पुराने समय में उनका आश्रम हुआ करता था। इसी आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्रों द्वारा उनकी तपस्या भंग हुई थी और तभी उन्होंने क्रोधित होते हुए राजा के पुत्रों को श्राप देकर राख में बदल दिया और क्रोध शांत होने पर कहा कि राजा के पुत्रों को केवल गंगा मैया द्वारा ही मोक्ष मिलेगा। बाद में राजा भगीरथ के तप द्वारा गंगा मैया ने धरती पर आकर राजा सागर के सभी पुत्रों को मोक्ष दिया और ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और फिर सागर में मिल गई। बस तभी से मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान, दान और पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। तो ये था हिंदुओं के तीर्थों में से एक महातीर्थ गंगा सागर। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सी यू सून।